नदियों के देश भारत में छोटी बड़ी हजारों नदियां मौजूद हैं। वर्तमान में जीवनदायिनी गंगा सहित अधिकांश नदियों की हालत दयनीय बन चुकी है। ऐसी ही एक बदनसीब नदी है गंगा की प्रमुख सहायक नदी काली पूर्व, जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के छोटे से गांव अंतवाड़ा के जंगल से निकलती है। ये नदी जो है यहीं से निकली है, नाग नदी है। पहले बतावें जी, हमारे बड़े जो थे, हमारे बड़े वो यहाँ से कोई महात्मा रह कर था, और वो यहाँ से जो नदी निकली, वो जैसे सरप निकला वहाँ गागा चला, तो वहीं तक वो नदी बन गई। यह एक बरसाती नदी है जो कि भूजल व वर्षा जल से ही बहती है। काली नदी इस इलाके की मुख्य नदी है जो कि वर्षा के पानी का निकास करती है, और इस इलाके के अन्य जितने भी ये नदी मुजफ्फरनगर से शुरू होकर मेरठ, बुलंदशहर होती है, अल्टीमेटली फर्रुखाबाद में जाके गंगा नदी मिलती है। अन्य जितने भी नाले हैं इसमें, जो अबू नाला 71 है, 73 है, खडौली है, वो सब इसमें मिलते रहते हैं, अल्टीमेटली काली में जाता रहता है। इस काली नदी में सबसे बड़ा जो बिंदु है वो ये है कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो इसके तली से डाउन है, मतलब ग्राउंड वाटर का कोई भी रीजनरेशन इस नदी में नहीं हो पाता, जिसके कारण कि इसमें स्वयं का कोई पानी नहीं है। जो भी पानी आप इसमें वर्षा ऋतु में तो कुछ ना कुछ बरसात का पानी आ जाता है, लेकिन वर्षा ऋतु के अतिरिक्त जब भी आप इसमें कोई पानी देखते हैं तो वो पानी वही पानी है जो कि घरों से गंदा पानी निकल रहा है या फैक्ट्रियों के द्वारा कोई पानी निकाला जा रहा है, वही पानी इस नदी में उपलब्ध है। और इसमें इसकी पानी की गुणवत्ता इसी आधार पर निर्भर करेगी कि इसमें कैसा पानी डाला जा रहा है। इसमें कोई पानी अपने आप कहीं जनरेशन इसमें नहीं है। जहाँ तक इसको रिवाइव करने का प्रश्न है, इसमें दो ही बिंदु हैं। एक तो ये है कि कहीं से हम इसमें ला के अतिरिक्त पानी डालें, जिसमें कि मतलब जैसे जो इसकी इस समय लेवल है पोल्यूशन का, उसको हम डाइल्यूट कर सकें। दूसरा बिंदु ये है कि जो जो पानी हम इसमें डाल रहे हैं कहीं से भी, औद्योगिक वेस्ट हो चाहे वो हमारे कॉलोनियों का वेस्ट हो, उनको ट्रीटमेंट करके उसके एफ्लुएंट की को हम इरिगेशन लेवल तक ले आए, उसके तभी इस समस्या का कोई समाधान है। यह नदी मुजफ्फरनगर, मेरठ, पंचशील नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ आदि जनपदों से होते हुए करीब 300 किलोमीटर का सफर तय करके अंत में कन्नौज में जाकर गंगा नदी में समाहित हो जाती है। इस नदी के किनारे करीब 1200 गांव व छोटे बड़े कस्बे बसे हुए हैं। काली नदी मेरठ, हापुड़ व अलीगढ़ जैसे शहरों के बीच से होकर गुजरती है। अब यह नदी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। जहां 80 के दशक तक लोग इसका पानी पीते भी थे, वहीं आज नदी में अत्यधिक प्रदूषण के कारण हाथ धोना भी चर्म रोग को दावत देना है। नदी के किनारे दोनों साइड में पड़ने वाले मेरे खेत हैं। मैंने खुद हल चलाया है, और जब प्यास लगती थी लप्पो भर करके, चुल्लू भर करके पानी इसी नदी का पिया है। पानी घर से ले जाने की आवश्यकता नहीं होती थी, और आज उस नदी का पानी इतना प्रदूषित हो चुका है कि जिसमें निकलने को तो मन करता ही नहीं, लैट्रिन तक धोने को भी मन नहीं करता। केंद्रीय भूजल बोर्ड व नीर फाउंडेशन ने अपने अध्ययनों में पाया है कि नदी के जल में सामान्य से कई हजार गुना अधिक मात्रा में लैड, कैडमियम, क्रोमियम व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित कीटनाशक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट मौजूद है। जगह जगह नदी सूख रही है, जगह जगह मेनली बेसिकली इसमें वाटर फ्लो की कमी पाई गई है, और साथ साथ स्टैग्नेंट वाटर से जो डिकम्पोजिशन एनरोबिक हो रहा है वो भी ग्राउंड वाटर में जा रहा है, और उससे जो हैंडपम्पों में समस्या आ रही है लाल और पीले पानी की, कि ग्रामीणों में जो देखा गया है कि पानी कुछ देर बाद लेने के बाद सेटल हो रहा है, और सेटल हो के लाल और पीले रंग का हो रहा है, उसमें प्रॉब्ली आयरन और लेड कंटामिनेशन पाया गया है। इन भारी धातुओं व कीटनाशकों की नदी जल में मौजूदगी के कारण नदी किनारे के गांवों का भूजल पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है।
इस प्रदूषित पानी को पीने के कारण से गांवों में कैंसर, दिल, दिमाग व पेट की गंभीर बीमारियां पनप रही हैं। काली नदी के जो हमारे यहाँ की मेन समस्या हो रही है कि इसमें गंदगी जो कमेले की है और एसिड की जो फैक्ट्रियों का पानी, उसके एसिड की मात्रा के कारण नलों में पानी की मात्रा बहुत गंदगी के रूप में आ रही है और नलों पर एक तरह से चर्बी के जैसा भी पाइप के ऊपर आ रहा है, जिसके कारण जो हमारी जो होदी बनी, जो इनकी वो बनी है चौकी, वो भी एक तरह से इस रंग की हो गई, जैसे कि आदमी पान खा के थूक देता और उसका रंग होता है। इस तरह की पानी के केमिकल की मात्रा अधिक होने के कारण उनकी चौकियाँ भी बेकार हो रही हैं और पानी पीने से हमारे यहाँ काफ़ी बीमारी हैं, पशुओं को भी और व्यक्तिगत भी काफ़ी लोगों की मर गई हैं और 1.5 साल में 36 भैंस मेरी भी स्वयं की बेकार हो गई हैं। तो यही दशा मेरे पूरे समस्त गांव की है। चरम रोग है, पीलिया की बीमारी है। पशुओं व मनुष्यों में नपुंसकता बढ़ रही है, जिससे इन गांवों को सामाजिक बहिष्कार का अघोषित ताना भी झेलना पड़ रहा है। और एक समस्या हमारे यहाँ सामाजिक भी सामने आ रही है कि इस काली नदी के प्रदूषण के कारण जो लोग बाग यहाँ पे शादी करने में भी कतरा रहे हैं, इसलिए मौके माने पर भी देखा जाए आज के दिन में भी हमारे यहाँ सैकड़ों बच्चे शादी के योग्य हैं, परंतु हमें सैकड़ी शादी करने के लिए अपने बच्चों की स्वयं को सिफारिश करनी पड़ती, ताकि वे जैसे कि और कहीं जा कर के लड़की वाले खुद सिफारिश करते हैं, हमें खुद लड़का वाले होने के बावजूद भी हमें औरों की सिफारिश करनी पड़ती है। और ये काली नदी का ही हमारा एक श्राप है कि इससे हमें मुक्ति दिलाने के लिए हमने काफ़ी प्रयास कर रहे हैं 1989 से, तुरंत तक आज तक वो मसला हमारा हल नहीं हुआ। गांव वासियों ने अपने हैंडपंप बंद कर दिए हैं। कुछ गांवों के किसान नदी के इसी प्रदूषित पानी से फसलों की सिंचाई भी करते हैं, जिस कारण से सब्जियों व खाद्यान्नों सहित कृषि मिट्टी में भी कीटनाशकों की मात्रा पहुंच चुकी है। काली नदी की इस दुर्दशा के लिए नदी किनारे बसे उद्योगों, उससे निकलने वाला गैर शोधित प्रदूषित तरल कचरा, कस्बों व शहरों का सीवेज, कमेलों से निकले अवशेष तथा खेतों में प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक खाद व कीटनाशकों के अंश हैं। प्रदूषण नियंत्रण विभाग आंखें मूंदे यह सब होते देख रहा है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन लोड है जो वर्तमान में जा रहा है, वो करीब आंका गया है 4000 किग्रा पर डे जो काली नदी में निस्तारित हो रहा है। इसके अलावा जो काली नदी में जो मेजर पोल्यूशन लोड आ रहा है वो 32000 किग्रा पर डे डोमेस्टिक पोल्यूशन आ रहा है लोड, जो सीवर का है, जो जहाँ के जो शहर का जो डोमेस्टिक उत्प्रवाह है उसको शोधित करने की ज़रूरत है। काली नदी अब गंदगी ढोने का साधन बनकर रह गई है। नदी सुधार के लिए सरकारी प्रयास कतई नगण्य है। कोई भी योजना सरकार के पास इस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नहीं है। ऐसे में मेरठ के दो स्वयंसेवी संगठनों नीर व नारायण फाउंडेशन ने काली नदी सुधार का बीड़ा उठाया हुआ है। काली नदी के ऊपर हमने एक अभियान चला रखा लोगों को जागरूक करने का कि ये बहुत ही पौराणिक नदी है, इसको हमें सब लोगों को इसमें मिलके इसको बचाना है। इसमें जो अपना जो गाँवों का गंदा ऐसे वो भी अपना रोकना है और फैक्ट्रियाँ जो पोल्यूट कर रही हैं उसको भी हमें इसमें रोकना है। प्रदूषण विभाग पर दबाव बनाकर और अपने जो नेता हैं उन्हीं सबको अपना उन पर दबाव बनाकर कि इसको अपना जिससे पोल्यूशन को इसमें रोका जा सके और जो नदी पहले वाले प्रारूप में अपना ये बहे कितने जिसका साफ मैं बुजुर्ग बताते हैं कि इतना साफ इसका पानी था, इसको नहाया करते थे, इसको पानी को खेत पर जाकर उसको पिया भी करते थे और इसमें एक सिक्का भी जो बताते हैं इसमें पड़ा हुआ अपना दिखाई देता था। तो हमारा यही वो है कि इसको हम बिल्कुल पहले की तरह इसमें साफ़ करें, कोई इसमें फैक्ट्री का पोल्यूटेंट इसमें ना डालें और इसका पूरी अपना इसकी सफाई हो सके। और नदी किनारे जितने भी गाँव हैं उनमें बीमारी फैल चुकी है, तो लोगों को गाँव में समितियाँ गठन की जा रही हैं और एक मूवमेंट का स्वरूप दिया जाएगा। नदी किनारे के गांवों में जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। किसानों से नदी में बहने वाले प्रदूषित पानी से सिंचाई न करने के लिए कहा जा रहा है। समय समय पर नदी जागरूकता रैलियां
व गोष्ठियां आयोजित किए जा रहे हैं। गांवों में काली नदी रक्षा समितियों का गठन किया जा रहा है। काली नदी की बदहाली की एक रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय को सौंपी जा चुकी है। नदियों के लिए कार्य करने वाले राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी सहयोग लिया जा रहा है। इंडिया वाटर पार्टनरशिप एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है और हमारे जो पार्टनर्स हैं वो सभी नदियों के पुनर्जीवन के लिए काम कर रहे हैं। हम IWRM इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के पहलू पर चल करके इन नदियों को पुनर्जीवित करने का काम करना चाहते हैं और इस काली नदी के पुनर्जीवन के लिए मैं चाहूँगी कि हम अपने सभी पार्टनर्स के साथ मिल करके, अपने सभी सहयोगी स्टेक होल्डर्स के साथ मिल करके इस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रचार और प्रसार का काम करते रहेंगे। लेकिन नदी की व्यथा अभी बनी हुई है। काली नदी किनारे बसे समाज के लिए अभिशाप बन गई है। जो समाज इस नदी किनारे पला, बढ़ा और विकसित हुआ वह आज उजड़ने के कगार पर है। ऐसे में जहां सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह नदियों को प्रदूषण मुक्त बहने दे, वह उनका प्रदूषण मुक्त बहने का इंतजाम करे, वहीं समाज को भी यह सोचना चाहिए कि वह अपनी काली नदी को पुनर्जीवित करने के लिए आगे आएँ, उठ खड़े हों। वरना अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो यह समाज तो मिट ही जाएगा और ये काली नदी भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। नदी किनारे बसा समाज अपनी चरम सीमा तक पहुंचकर उजड़ने के कगार पर है। गंगा की छोटी बहन काली नदी मरणासन्न स्थिति में है, लेकिन उसकी पुकार किसी को सुनाई नहीं दे रही है। हमारे बीच से एक और नदी विदा ले रही है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इस नदी को समाज और सरकार के भागीरथ प्रयास की दरकार है। आखिर सुनती क्यों नहीं सरकार और सुनता क्यों नहीं है ये समाज? इस फिल्म के माध्यम से हम समाज, शासन, प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि काली नदी आज मरने की स्थिति में है। उसको हम सबको मिलकर संजीवनी देनी है और साथ ही साथ ध्यान रखना होगा कि जहाँ करोड़ों रुपए गंगा नदी की सफाई के लिए खर्च किए जा रहे हैं, जब तक गंगा की सहायक नदी जैसे कि काली नदी साफ़ नहीं होगी, गंगा भी साफ़ नहीं हो पाएगी।